ये अपना बाजार के अंदर एक रेस्टोरेंट है, आपको यहाँ बैठ के बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आप कहीं सैफई के किसी सैफई जैसे किसी गांव में किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। बहुत यूनिक कंसेप्ट है इसका रेस्टोरेंट का। ये देखिए क्या मेनू प्लेट है इसका, देखिए ये मेनू जो इन्होंने दिया है वो ऐसे एक दिया है तरीके से, और ये देखिए कैसे इसको इन्होंने डिज़ाइन किया, बहुत ही शानदार है ये जो बनाया गया है। और आप इसमें देखिए यूनिक तरीके से लिखा गया है पूरा, ये आपको कोल्ड सैंडविच टी फिल्टर कॉफी लिखा गया है, बहुत ही शानदार है। तो ये यहाँ का एक जो यूनिक कंसेप्ट बना जो रेस्टोरेंट है वो है, वो कुछ हिंदी में कुछ चीज़ें लिखने में दिखाना चाहूँगा आपको, समय देखिए आप। दोस्तों मेरा ऑर्डर आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है कढ़ाई पनीर जो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे, और ये मैं थोड़ा सा सर्व कर लेता हूँ अपने आप को पहले। बैड मैनर्स, जो बैड मैनर्स है यही सिखाना रह गया था बस मुझे, और ये सिखाने। ये दाल दाल कित गर्म है, ऐसे मत पकड़ो, दाल फ्राई है। दोस्तों हमने खाना खा लिया है और हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, जहाँ हमने खाना खाया है, ये जगह है अपना बाजार, सैफई का अपना बाजार। बेसिकली ये इसको आप कनाट प्लेस का एक छोटा वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इसको जिस तरह से बनाया गया है वो कनाट प्लेस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और आप देख सकते हैं पिलर्स किस तरह से डिज़ाइन किए गए थे, दो फ्लोर के ये पूरा पूरा मार्केट का जो आर्किटेक्चर है वो रहा है। और इसके बाद एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पवेलियन है, ये जो पूरा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के बीच में एक जगह है, ये सेंट्रल पॉइंट। इस सेंट्रल पॉइंट के सामने है एम्फी थिएटर और वहाँ है घंटाघर सैफई का, जहाँ पर एक वॉच भी लगी हुई है और वो आपको समय बताती है, टाइम बताती है। और उसी एम्फी थिएटर के नीचे देखिए सीढ़ियाँ हैं, और बेसिकली इसको जो डिज़ाइन किया गया था, इसको सैफई में होने वाले छोटे मोटे इवेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक पार्टी कल्चर, एक जो मॉडर्न कल्चर होता है, जो सिटीज़ कल्चर है, जो मेट्रो शहर का कल्चर है, उसका एक छोटा वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये जगह है चदंगी राम स्टेडियम सैफई, और देखिए हॉकी का कितना शानदार स्टेडियम है, और जो टर्फ है देखिए इंटरनेशनल लेवल का टर्फ है यहाँ पे। इसको 3 करोड़ की कॉस्ट से अभी इसको नया लगाया गया है यहाँ पे, और पुराना टर्फ जो है उसका एक हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो नया टर्फ है आपके सामने है पूरा नीली, एक तरफ नीली जो एकदम घास बोल सकते हैं, एक नीली परत है इस मैदान पे। और ऑडियंस जो एक तरह से जो दर्शकों के बैठने के लिए जो जगह है वो भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाटर के लिए है, जो वाटर जब डालते हैं इस स्टेडियम पे, नीचे देखिए बना हुआ है ये पानी के लिए है। और ये पूरा स्टेडियम का एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ आपका एकदम कैमरे पर, क्या कैसा स्टेडियम है, कितना शानदार स्टेडियम है ये सैफई में। तो सैफई वालों के लिए एक बहुत ही शानदार मौके हैं यहाँ पे, न सिर्फ सैफई वालों के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, कहीं से भी बच्चे आके यहाँ सीख सकते हैं, यहाँ खेल सकते हैं। हालांकि कोरोना में जो बंदिशें हैं वो लगा दी हैं कोरोना ने, और जो खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं खिलाड़ी इस चीज़ से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले वो तो ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं, बट जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते और उनको खेलना ही पड़ता है मैदान पे आके, तो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए एकदम सुनसान है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, खिलाड़ी नहीं है मैदानों में, तो इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और पीछे देखिए पवेलियन कैसा है ऑडियंस के बैठने के लिए, बहुत ही शानदार जगह है। सामने घंटा घर है, सैफई में घंटा घर बना हुआ, देखिए नया एकदम, जैसे दिल्ली में जो सिग्नेचर ब्रिज है उसकी तरह, उसके साइज़ का उसकी तरह दिखने में है लुक में, तो वो घंटा घर है सैफई का। उसके सामने ठीक हम स्टेडियम देख पा रहे हैं, ये हॉकी का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है यहाँ चदंगी राम स्टेडियम में।
करने की। भाई वाह गजब है, सफाई देखिए और शांति देखिए, बहुत ही बढ़िया सफाई व्यवस्था है और चमक धमक देखी जाए सब प्लेटफॉर्म की, एक बार गजब शानदार। दोस्तों ये देखिए अष्टधातु की मूर्ति है बजरंगबली की और इसे चंदन से लपेटा गया है। सैफई के अंदर ये जो जगह है ये है आयुर्विज्ञान संस्थान, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और जो हॉस्पिटल है सैफई में वो अलग उसका कैंपस है। ये जो कैंपस है यहाँ बेसिकली स्टडीज होती है, सामने बच्चे खेल रहे हैं और मेरे ठीक पीछे ये एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ स्टूडेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, और इसके बगल में वो है हॉस्टल का कैंपस जहाँ पे बच्चों के ठहरने के लिए बच्चे रुक कर रहते हैं और इसके अंदर वो सीखते हैं मेडिकल डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। ये वो जगह है।